हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरे मुताबिक आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए, अच्छे होंगे तो आज हम आप लोग जो है ये आज सिंड्रोम के विषय में बताऊंगा, जो सिंड्रोम की वजह से हम लोग के अंदर कौन कौन से अवगुण आ जाते हैं, फिर हम लोग के अंदर कौन कौन से और बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। आज हम सिंड्रोम के विषय में ही आप लोगों में इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराऊंगा। चलिए वीडियो के देखिए, जिसमें मैं आप लोग को ये गुणसूत्र विकार यह सिंड्रोम मैंने इस पे प्रदर्शित किया है। ये सिंड्रोम होता क्या है, जिसमें आप लोगों को पहला मैं लिखा हूँ असुगुणिता। ये असुगुणिता क्या होता है, जिसमें हम लोग आप लोग पढ़े होंगे या जानते होंगे कि हम लोग का जो है मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 23 46, मतलब 23 फीमेल और 23 मेल से होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन यही गुणसूत्र जब कमी या बेसी जब हो जाते हैं तो उसी को हम लोग जो है असुगुणिता कहते हैं, जिसमें 45 गुणसूत्र भी हो सकता है, 46 भी हो सकता है और 47 भी हो सकता है, मतलब कम या अधिक हो जाए उसी को हम लोग असुगुणिता कहते हैं। अब इस असुगुणिता के आधार पे आप लोग जो है सिंड्रोम के विषय में जब मैं आपको बताऊंगा, तो पहला सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता क्या है कि 21वें गुणसूत्र होते हैं, जिसमें आपके 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ये तो गुणसूत्र की संख्या होगी, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये डाउन सिंड्रोम की खोज किसने किया था। तो आप लोग खोज के विषय में बता रहा हूं, खोज जो है लैंगडोंग जो है नामक, लैंगडोंग नामक, मतलब डाउन भी लिख सकते हैं, इसमें लिख दीजिए लॉकडाउन, लैंगडोंग डाउन नामक वैज्ञानिक ने 1866 ईस्वी में 1866 ईस्वी में ये खोज किए थे, किसकी? डाउन सिंड्रोम की। अब आता है कि इस डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, कि इसके लक्षण क्या होते हैं डाउन सिंड्रोम के, तो लक्षण समझिए, इसके लक्षण मैं आप लोगों को दर्शा रहा हूँ। लक्षण, ये डाउन सिंड्रोम के लक्षण कितने हैं, क्या होते हैं, कैसे कैसे क्या होते हैं। इस डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, इसमें मंगोलिक, मंगोलिक मतलब बेवकूफी, बेवकूफी वाले लक्षण दिखाई देने लगते हैं, मतलब बेवकूफी वाले लक्षण जो है इस डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। बेवकूफ समझ रहे हैं, मतलब वही पागलपन टाइप के जो है, कुछ बेवकूफ टाइप के जो है उनमें लक्षण दिखाई देते हैं जिस व्यक्ति में, समझिए वो डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति जो है वो है। मतलब 46 गुणसूत्र होना चाहिए, इसमें 47 गुणसूत्र होने के कारण ये जो है बेवकूफी वाले या कहिए मंगोलिक वाले लक्षण इनमें दिखाई देते हैं। ये हो गए इनके लक्षण। अब आता है प्रश्न कि इसमें देखा जाता है कि 50% से बच्चे, 50% से अधिक बच्चे जो है 5 या 6 वर्ष के अवस्था में ही आते आते जो है ये मर जाते हैं, ये डाउन सिंड्रोम की वजह से होता है। ये लक्षण कुछ थे और इनकी खोज वैज्ञानिक थे। अब आते हैं एडवर्ड सिंड्रोम में होता क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है। तो पहले सिंड्रोम में होने से पहले कुछ आप लोग पहले खोज के विषय बताते हैं। अब एडवर्ड सिंड्रोम की खोज जो है एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1960 में किया था, एडवर्ड एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1960 में इसकी खोज किया था, जिसमें एडवर्ड ही वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर जो है ये एडवर्ड सिंड्रोम नामक जो है सिंड्रोम को रखा गया ना। अब इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, तो गुणसूत्र इसमें देखा गया था 18वें जोड़े जो है इनमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब आते हैं कि लक्षण इसमें क्या होते हैं, लक्षण ये लक्षण इसमें क्या पाए जाते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं। इनमें लक्षण ये होता है कि बच्चों का मुंह और निचला जबड़ा, मतलब ये वाला ठुड्डी, और बहुत ही छोटे होते हैं। अब छोटे होने की वजह से देखा गया है कि एडवर्ड सिंड्रोम में 1 हफ्ते के अंदर ही, इसमें भी देखा गया कि 1 हफ्ता मतलब 7 दिन कम से कम उत्पन्न होने के बाद, 7 दिन के बाद जो है इसमें भी शिशु की जो है मृत्यु हो जाती है। ये एडवर्ड सिंड्रोम में होता है, ठीक है। अब एडवर्ड सिंड्रोम के विषय में आप लोग समझ लिए। अब चलते हैं पर्टाउ सिंड्रोम। ये पर्टाउ सिंड्रोम की जो है किसने खोज किया था, तो पर्टाउ सिंड्रोम की खोज भी जो है ये पटाऊ नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसका नाम है पटाऊ, जिसमें आप लोगों को लिखा भी हूँ यहाँ पे। ये पटाऊ जो है, पटाऊ इस वैज्ञानिक थे, पटाऊ वैज्ञानिक जो 1960 में,
1960 में जो है ये जो है पटाऊ सिंड्रोम की खोज हुआ था। ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम की खोज जो है पटाऊ नामक वैज्ञानिक ने 1960 में जो है इसी खोज किया था। अब आते हैं कि इसमें गुणसूत्र क्या होते हैं। इसमें गुणसूत्र 13वें जोड़े माने जाते हैं, 13वें जोड़े इसमें गुणसूत्र माने जाते हैं। अब आता है प्रश्न कि 13वें गुणसूत्र हो गए, लेकिन इसके लक्षण क्या होते हैं। लक्षण समझिए, लक्षण इसमें लक्षण क्या होते हैं। इसमें भी लक्षण देखा गया है कि इसे इसमें होता है क्या है कि इसमें पटाऊ सिंड्रोम ऐसी नाम भी दिखा लिखा गया है और पटाऊ नामक वैज्ञानिक ने भी किया था। अब इसमें होता क्या है कि इसको गुणसूत्रों में असमानता देखने को मिलती है। असमानता देखने का मतलब उसमें सिंड्रोम जो है इसमें भी कमी बेसी जब हो जाते हैं, इसमें जो है दिमागी फितूर, इसको जो है इसको दिमागी फितूर नाम भी दिया जाता है। और दिमागी फितूर नाम देने की वजह से और नाम भी देखने के पटाऊ नाम है तो देखने को मिलता है, लक्षण देखने को मिलता है कि इसमें जो है जो भी व्यक्ति या जो है शिशु जन्म लेता है तो इसमें लड़कियों को जो है पटाने वाली गुण जो है अधिक पाए जाते हैं। ये पटाऊ सिंड्रोम में होते हैं, पटाऊ नाम इसका है भी। इस तरह आप लोग देख ही रहेंगे इसमें जो है इस सिंड्रोम में मतलब लड़कियों को जो है पटाने की जो है गुण इस वाले व्यक्तियों में जो दिखाई देते हैं जिसमें 13वें गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब आता है कि इसमें मतलब पटाने की जो ख्याल जो है दिमागों में हमेशा बना रहेगा ये पटाऊ सिंड्रोम के लक्षण के। ठीक है, अब चलते हैं अगला सिंड्रोम, इस टर्नर सिंड्रोम। ये टर्नर सिंड्रोम में क्यों होते हैं, कौन जो है कितने गुणसूत्र होते हैं। अब टर्नर सिंड्रोम को पहले खोज देखिए, इसमें टर्नर खोज सिंड्रोम को जो है डॉक्टर हेनरी हेनरी जो है हेनरी टर्नर टर्नर नामक वैज्ञानिक ने इस टर्नर सिंड्रोम की जो है खोज किया था। आप किस सन में किया था, 1938 में। 1938 में जो है इस टर्नर नामक टर्नर सिंड्रोम की जो है खोज किया गया था। अब इसमें इसमें जो है इसमें भी गुणसूत्र कमी बेसी होते ही होंगे। अब आते हैं थोड़ा इसमें भी लक्षण आते हैं, लक्षण ये कितने होते हैं। अब इसमें लक्षण कितने होते हैं, लक्षण कैसे होते हैं। तो लक्षण टर्नर सिंड्रोम में ऐसा हो देखा गया है वैज्ञानिक थ्योरी के आधार पे कि इसमें जो है नवजात जो शिशु जन्म लेते हैं शिशु के हाथ पैर जो है हाथ पैरों में थोड़ा सूजन मोटा दिखाई देता है और छोटा भी छोटे कद के भी होते हैं, ये टर्नर सिंड्रोम है। ठीक है, ये कुछ इसके लक्षण थे। ये छोटे होते हैं और इनके हाथ पैर जो है ये हाथ और पैर क्या होते हैं मोटे मोटे टाइप के दिखाई देते हैं टर्नर सिंड्रोम में। अब आते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम खोज किसने किया था, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की खोज भी देखा गया कि डॉक्टर हैरी, ये क्लाइनफेल्टर नामक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर हैरी क्लाइनफेल्टर जो है वैज्ञानिक थे, डॉक्टर हैरी क्लाइनफेल्टर्स ये जो है वैज्ञानिक थे जिनका जिन्होंने 1942 में 1942 में जो है इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की खोज किया था। अब प्रश्न उठता है अब इसमें कितने जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 22वें जोड़े मतलब 22वें जोड़े जो है सिंड्रोम इसमें पाए जाते हैं, 22वें जोड़े सिंड्रोम इनमें पाए जाते हैं। अब आता है प्रश्न इसमें लक्षण क्या होते हैं। इसमें भी लक्षण देखा गया है कि छोटे इसमें अंडकोश हो जाते हैं, फिर स्त्रियां जब रहेंगी तो उनमें बाजपन के लक्षण दिखाई देते हैं, फिर शरीर पर बाल कम होंगे और अस्तन वृद्धि में वृद्धि ज्यादा दिखाई देगी मतलब स्त्रियों में। और आता है और भी लक्षण इसमें जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखा गया है कि सेक्स के प्रति बहुत ही अरुचि इंटरेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं अरुचि उत्पन्न करता है, स्त्री हो या फीमेल हो या मेल हो। इस तरह जो है ये सिंड्रोम कुछ आप लोग के समक्ष थे, जो आप लोग को अच्छा जानकारी महसूस हुआ हो तो आप लोग जो है इस वीडियो को थोड़ा लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही आप लोग जो है हमारे प्रति बना रहे। धन्यवाद।